जिंदगी में ये नहीं मानोगे कि तुमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या ज्यादतियाँ की हैं। एक गलती की है वाली, और वो गलती है कि मैंने तुमसे शादी की है। आप मसला हल करना चाहते हैं या रिश्तेदारी खत्म करना? देखो, मेरे लिए जो चीज सबसे अहम है वो इज्जत है। रिश्तेदारों की मुझे परवाह नहीं, औलाद अजीज है मुझे सबसे ज्यादा। जो मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम इस घर की बहू हो तो मैं चाहता हूं तुम मेरे माँ बाप को बहुत खुश रखो। उनको कभी एहसास मत हो कि उन्होंने बड़े घर से बहू लाकर गलती की। दुर्रे शहवार, जो तुम्हारा तौर तरीका है ना, अब इस घर का तौर तरीका होगा। तो इस बात का बेटा खास ख्याल रखना कि तुम्हारी आदतें और बातें, उनसे तुम्हारे देवर और नंदों पर कोई बुरा असर न पड़े। अरे शहवार, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मंसूर भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। मेरा मतलब है अंगूठी दी, कंगन दिया या लॉकेट दिया, क्या दिया? 100 दिया। क्या 100 दिया? लाहौर से जेलम जाके सेटल होना बड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे बता रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। जगहों से क्या फर्क पड़ता है? आप चीचू की मलिया में रहे, सरगोदा में या फिर झेलम में, इंसान तो इंसानों से दिल लगाते हैं। लेकिन अम्मी, मुझे मंसूर भाई की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुंह दिखाई पर सिर्फ 100 रुपया दिया, कोई ज्वेलरी दे देते। हो सकता है उनके यहाँ रिवाज ना हो, हर घर का अपना अपना रिवाज होता है, लेकिन अम्मी फिर भी ये क्या बात हुई कि हक में मुंह दिखाई के तौर पर दे दिया? ये तो गनीमत जानो कि उन्होंने मुंह दिखाई के नाम पे दिया तो सही। बहरहाल भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा आपने खाने में कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर दिया। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुर्रे शहवार, अब बेटा सामान पैक कर लो, इजाजत लेने का वक्त आ गया है। अंकल, मैंने पहले ही सामान पैक कर लिया था। अच्छा, चादर ले लो फिर। चादर? बेटा, चादर के बगैर तो सफर नहीं किया जा सकता ना। हाँ हाँ मानूर, बेटा बहन को लाकर दो चादर मेरी अलमारी से। जी अम्मी। ड्राइवरी किसी को कहकर वो टैक्सी मंगवा देते, वो हमें बसों के अड्डे तक ड्रॉप कर देते। आप बस पर आए? हाँ जी, वो जेलम से लाहौर बस पर आए थे, फिर आगे से टैक्सी ले ली थी। भाई साहब, आपने हमसे कह दिया था हम गाड़ी भेज देते। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उस वक्त तो आपको बहुत ज़हमत हुई, मगर अब आप हमारी मेहमान हैं, आपके साथ सामान भी बहुत ज्यादा है, सफर में बहुत दिक्कत होगी, गाड़ी पे चली जाएगी। भाई साहब, ये मुनासिब नहीं लगता। हम बसों में सफर करने के आदी हैं, बड़े आराम से चले जाते हैं। लेकिन शहवार तो इसकी आदी नहीं है, इसने तो कभी बस में सफर नहीं किया। घर में गाड़ी मौजूद है तो इसका फायदा उठाइए। नहीं आंटी, शुक्रिया, हम टैक्सी नहीं चलेंगे। लेकिन बेटा। नहीं, मंसूर ठीक कह रहे हैं। रहीम, एक टैक्सी ले आओ बेटा। शुक्र है आप लोग आ गए। आज तो बड़ी थकन हो गई है। हम लोग तो परेशान हो गए थे कि लाहौर से जेहलम आते कितना टाइम लगता है। बस का टायर पंक्चर हो गया था, बस ड्राइवर ने बदलते बदलते इतनी देर लगा दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मैं जरा सामान रख के आता हूँ कमरे में। सऊद कहाँ रह गया? अब्बू, आपके लिए पानी लाऊं? मुझे भी पानी पिलाओ, भाभी को भी पानी वाली का पूछो। जाओ शरबत बना कर ले, सबके लिए शरबत बना लो। जी अम्मी। शुक्र है तुम आ गए हो। उफ, इतना भारी है, पता है भाभी के अम्मी अब्बा ने सारे लाहौर का मिठाई और फल इसी में डाल दिए। ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, टैक्सी से उतरवाओ बाकी का सामान भी, शगुन की चीजें हैं, ऐसे नहीं बोलते। सामान उतरवा लिया, मैं बस जा रहा हूँ। वो आप अब्बा को भी कहीं से फोन करके बता दें कि हम पहुंच गए, वो परेशान हो रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं इतला दे देता हूँ। बहू, खामखा तुमने मंसूर को भेज दिया फोन करने के लिए, अब पता नहीं कहाँ से पीसीओ तलाश करता फिरेगा वो। चलो चला गया है, वैसे भी बहू के वालिदैन को इत्तला करना भी तो जरूरी था। खाने में क्या बनाया? हमी पुलाव बनाया है, गोश्त का सालन और कबाब। कबाब बनाने की क्या जरूरत थी इस वक्त, सालन और पुलाव ही काफी था। अब चलो बन गए हैं तो रहने दो। हम आज वापस आई है, इसी बहाने हमने कुछ अच्छे मजेदार खाने खा ले। क्यों, पहले आप अच्छे खाने नहीं खाते क्या? भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? थोड़ी देर जाके कमरे में आराम कर लेती। वो मैं सोच रही हूँ मंसूर पता नहीं कब तक वापस आएंगे। मंसूर भाई की फिक्र ना करें आप, वो यहीं पीसीओ तक गए हैं फोन करने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये कहाँ रखो? ये आप मुझे दे दें। हफ्जा, ये सारी मिठाई खोलो, इनके कवर उतारो ऊपर से, सुबह से बंद पड़ी है। बहू जी, अम्मी रात का वक्त है, कमरे में रोशनी होगी तो बराबर वाली छत या घर से कोई भी अंदर झांक सकता है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी कि हमारी तरफ के सलामी के पैसे मुझे दे दो। हाँ मैं तुम्हें कहना भूल गई थी, तुमने अलग तो किए होंगे ना? नहीं अम्मी, अलग तो नहीं किए, लेकिन मेरे पर्स में ही है। तो निकाल कर मुझे दो। मिलने जुलने वालों को उनके शादी ब्याहों पर वापस करने होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई पैसे दे देता है, बढ़ा कर उन्हें वापस देने होते हैं। और हाँ, मैंने तुमसे बात करनी थी, लेकिन अब कल करूंगी। आ जाओ बाबू, बैठो, तुम भी खाना खा लो। फजीलत, दुर्रे शहवार को सालन भी दो और चावल भी दो। भाई सफिया बेगम, अगर तुम इसे भी मजाक ना समझो तो वो कबाबों का बड़ा जिक्र था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। काफी चीजें थी, मैंने फ्रीजर में रखवा दी हैं, फिर काम आ जाएंगे। अभी आपको कुछ और चाहिए? नहीं बस पानी चाहिए था। थैंक यू। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मम्मी अब्बू के पास था। मैं समझी कि आप बाहर है। आधी रात को मुझे बाहर जाने की आदत नहीं है। आज तुम्हारे अम्मी अब्बू की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बात? उन्होंने हमसे ये क्यों कहा कि हम उनकी गाड़ी में वापस चले जाएं? उन्होंने सिर्फ आराम और सहूलत की वजह से कहा था। हम बस में भी आराम और सहूलत से सफर करते हैं। अब पूरे पाकिस्तान के पास गाड़ियां तो नहीं होती ना। लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं थी। नीयत जो भी थी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही अम्मी अबू को लगा। कम से कम उन्हें बात करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और इस बात का क्या मतलब था कि तुमने कभी पहले बस में सफर नहीं किया? जैसे बस में सफर करना कोई बुरी बात होती है। उनकी तरफ से मैं माजरत कर लेती हूँ। माजरत करने की जरूरत नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। और हाँ, आइंदा भी हम बस में ही सफर करेंगे। ना इस घर में गाड़ी है ना मेरे पास। अब सारी जिंदगी गाड़ियां तो नहीं लेते फिरेंगे ना। चलो आओ आप सो जाओ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी उठने में। जी वो आंख देर से खुली। फजीलत देती है तुम्हें नाश्ता। फजीलत, भाभी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी अम्मी। सबने बहुत इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन जब तुम नहीं उठी तो सबने नाश्ता कर लिया और मंसूर भी नाश्ता करके चला गया। उसे शायद किसी दोस्त के साथ जाना था। बेटा, तुम्हें अब इन बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जवान बहन भाई हैं मंसूर के, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। इस तरह 12-12 बजे उठोगी तो उसके बहन भाई क्या सोचेंगे। अभी 1-2 हफ्ते में तुमसे मीठा बनवाऊंगी, फिर बावर्ची खाना तुम्हें ही संभालना होगा। मेरी बच्चियों ने बड़ी ड्यूटी दी है अपने माँ बाप की और आने जाने वालों की। अब उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। तुम्हारी कोई सहेली आई थी? जी अम्मी, नासिया नाम है उसका। बड़ी तेज तरार लड़की है। ऐसी सहेली है तुम्हारी? बेटा, ऐसी सहेलियां तो बड़े उल्टे सीधे मशवरे देती हैं, घर नहीं बसने देती। सो ऐसी सहेलियों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी दोस्तियां, सहेलियां, ये सब शादी ब्याह से पहले के चोंच लें। शादी के बाद तो बस घर, ससुराल, मियाँ और बच्चे होते हैं और इनके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए। कोई ब्रेड वगैरह नहीं मिलेगी? मैं बहुत लाइट नाश्ता करती हूँ। सऊद और मंसूर घर पर नहीं है, वरना मैं तुम्हें डबल रोटी मंगवा देती। वैसे बेटा, हमारे घर में रिवाज नहीं है डबल रोटी खाने का। हमारे यहाँ सब पराठे या रोटी खाते हैं और सेहत के लिए भी यही अच्छा है। भाभी, अम्मी कह रही हैं कुछ लोग आपको देखने आए। मैं अभी आई। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने सोचा शादी खत्म होगी, फूल उतार दूं। अभी कुछ देर तो रहने देती। जल्दी से बाहर आ जाओ। भाई अब तो बड़ी रौनक हो गई होगी बहू के आने से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो जीती रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सफिया, तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है। सुना है बहू का खानदान भी बड़ा अच्छा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? दुर्र ए शेहवार। माशाल्लाह, नाम भी बड़ा खूबसूरत है। मंसूर के साथ बड़ी अच्छी जोड़ी बनी है। सुना है बेटा कि तुम अपनी बहनों में सबसे बड़ी हो? जी आंटी। कितनी बहनें हैं? दो। वो भी शादीशुदा हैं? नहीं जी, अभी पढ़ रही हैं वो। सफिया, दरअसल मुझे ना अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश है। जीदा ये मीठा लो ना। हाँ क्यों नहीं, लो। मीठा क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी खुशनसीब हो, इतनी अच्छी बहू मिली। बहू, ये सारे हार फूल क्यों उतार दिए तुमने? कहीं शादी खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि कमरा साफ कर दूं। कितने पैसे लगे थे कमरे की सजावट पर? कुछ दिन और रह जाता तो अच्छा होता, लेकिन चलो तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी मर्जी। अब मैं कुछ कहूंगी तो शायद तुम्हें बुरा लगे। और देखो बहू, जब भी कोई घर में आया करे सर पर दुपट्टा लेकर सामने आया करो। हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है किसी के सामने नंगे सर आना। अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हम बहुत रिवायती लोग हैं, हमारे यहाँ इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है। पढ़ लिख जाने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान अपनी रिवायत भूल जाए। दुर्र ए शेहवार, क्या जरूरत थी फूल चादरें वगैरह उतारने की? 2-4 दिन लगी रहने देती, मैं खुद उतार लेता। फूल खराब हो गए थे, कमरा गंदा लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अम्मी की इजाजत लेनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ कमरा साफ करने की कोशिश की, मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्हें बुरा लग सकता है। बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात तरीके की है। आइंदा आपने कोई इस तरह का काम करना होगा घर में तो पहले आप अम्मी की इजाजत लीजिएगा, ठीक है जी। बेटा ये कोरमा तो लो ना तुम। और नहीं अम्मी, आप जानते हो मुझे गोश्त नहीं पसंद। पता है मुझे तुम्हें गोश्त नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत अच्छा बना है, करो ट्राई। मुझे कोरमे से बहुत स्मेल आती है और उसकी वजह से वोमिटिंग होने लगती है। तुम आजकल की लड़कियों का भी कोई हाल नहीं, हर चीज से तुम्हें स्मेल आती है। ये मैकरोनी डालो। और अम्मी आपको खाने को इसलिए दे रही है, क्या पता इस शाम में खाने को मिले या ना मिले। क्यों नहीं मिलता, वहाँ पर इसके पास बैटमैन होगा जो मेरी बेटी की पसंद की हर चीज बना के देगा। तो मानो जरा सुनाते हैं। भाभी आप रो रही हैं? नहीं तो वो सालन में शायद मैरिज ज्यादा थी। फजीला जाओ भाभी को दही ला दो। ये दही तो नहीं है, पहले पता होता तो मंगा देती, लेकिन मिर्चें तो रोज ही इतनी होती हैं, ज्यादा तो नहीं। भाभी के घर में शायद कम खाई जाती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शायद ज्यादा लगी लेकिन अब मैं खा रही हूँ। आपकी छुट्टियां कब तक है? अब नहीं ऐसे। मतलब अभी कुछ दिन है? हाँ, पहले मरी जाएंगे फिर हमारे बस इसी में गुजर जाएंगे। मरी कब तक जाएंगे? चल अम्मी से बात करूंगा, इजाजत दे दी तो परसों चले जाएंगे। और खारियां कब जाएंगे? पता नहीं अभी तक क्या नहीं पता, लेकिन अप्लाई कर दिया। घर कब तक मिल जाता है? 2-4 हफ्ते तो लगेंगे। मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ खारियां चली जाऊं, वहां मेस में रह लूंगी। हाँ मेस में रहा जा सकता, लेकिन पहले मैं नहीं। टिकटें खरीद ली तुमने? जी अम्मी। तुम लोगों ने सामान बांध लिया? जी अम्मी, वो तो सुबह ही बांध दिया था। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी भाभी, आपके साथ जा रहे हैं ना मरी घूमने फिरने। मैंने तो मंसूर को मना किया था कि क्या जरूरत है, लेकिन कहने लगा कि हम जा रहे हैं तो आप लोग भी चलें। ठीक कहा इन्होंने। मंसूर बेटा उठ जाओ, अब नमाज को देर हो रही है। जी अब्बा। भैया आजकल मौसम बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। सऊद भी चला चलता हमारे साथ तो अच्छा ही था, 2-4 दिन की तो बात थी, वो भी घूम फिर आता। नहीं जाना चाह रहा तो ठीक है ना, पीछे डर भी तो किसी को होना चाहिए। अकेले क्यों छोड़। ले जा। नहीं मुझे नहीं खाना, आप हफ्सा को दो। क्यों शहवार तुम्हें क्यों नहीं खाना? चलो मैं दे दूँ। चलो बेटा खाओ। ये मजे की अम्मी अम्मी एक प्लेट और खाऊंगी। खा लेना, ये तो खत्म करो। तुम बहुत चुप हो। नहीं तो तुम हो चुप। आपको तो चुप रहने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। कैसा लग रहा है हमारी में आके? वैसा ही जैसा घर में लगता है। क्या मतलब? अजी तुम्हें मेरे घर में अजीब लगता है? शायद इस माहौल की आदी नहीं होना इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। और ये हमारी में क्यों अजीब लग रहा? शायद इस माहौल की भी आदी नहीं इसलिए। लेकिन अभी तो मैं और तुम साथ। इससे क्या फर्क पड़ता? मैं और तुम साथ है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है हमें वापस जाना चाहिए, काफी दूर आ गए। शायद हमें इतना आगे नहीं आना चाहिए था। चले भाई, जल्दी चले, अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। अब्बू जी क्या हुआ? अम्मी कैसी तबीयत है? बस अब ठीक हो बेटा। तुम्हारी माँ को खामखा वहम हो जाता है, तुम्हें पता तो है मुझे दम नहीं करना। अब इतना चलने फिरने से कभी कभार हो जाता है मसला। अभी दवाई ली है ना, ठीक हो जाऊंगा 2-3 घंटे में। चुप कैसे लेटे रहे, आराम करें। अम्मी ठीक है, बस अब आराम करेंगे। ठीक है बेटा, तुम और बहू भी जाकर आराम करो। आप पहले आराम से सो जाएं, हमारी फिक्र मत कीजिए। यहाँ बैठकर क्या करोगे बेटा? रहने देना, अगर कोई दवाइयों की जरूरत पड़ी तो इसके कमरे में जाकर बुलाती फिरूंगी इसे। इसीलिए कह रही थी कि सऊद को साथ ले चले। मेरे होते हुए सऊद की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। बहू तुम जाओ अपने कमरे में, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो रही हो? नहीं, वो पेट में दर्द है। क्यों है पेट में दर्द? अपने दर्द से तो नहीं पूछ सकती ना कि वो मुझे क्यों। दवाई ला दूं? नहीं। तो फिर अंदर आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाए। आप तो हफ्ते का कह के गए थे, 3 दिन में ही आ गए। अरे तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आना पड़ा हमें। तो आप लोग आ जाते, भाई और भाभी को वही रहने देते। तुम्हारे भैया और भाभी ने जितना घूमना फिरना था घूम फिर लिया, अब क्या खैमा लगा लेते वहाँ। लेकिन मजा बहुत आया वहाँ। मैं जरा सामान रखा रहने दो, साउथ ले जाएगा, इधर आकर बैठो मेरे पास। तुमने तो माँ बाप के पास उठना बैठना ही छोड़ दिया। सौ बातें होती हैं करने वाली। भाभी ये बैग रखने आया था। हाँ वो सामने रख दो। भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ क्यों? नहीं वो आपके चेहरे से लगा कि मैं ठीक हूँ। आपको चाय ला दूं? नहीं तुम चाय बना लेते हो? हाँ मैं खाना भी बना लेता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ और झाड़ पूंछ भी कर लेता हूँ। मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा आओ आओ ले आई। जी दिखाओ। ये अम्मी के लिए। और ये मानूर के लिए। ऐसा करो ये फजीलत को दे देना और फजीलत के लिए जो सूट लेकर आई हो वो मानूर को दे देना। और दिखाओ। और ये छोटी शहर के लिए। ये शहर और मानूर दोनों के लिए। ये ज्वेलरी फजीलत और हफ्जा को पहले दिखा देना, जो चीजें उन्हें पसंद आएंगी वो रख लेंगी, बाकी अपनी बहनों को दे देना। ये ड्राई फ्रूट अब्बा के लिए। काफी शॉपिंग कर ली है तुमने। इस बार सिर्फ एक रात के लिए रहना वहां। सामान बांध लिया? जी अम्मी बस बांध रही हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए आई थी कि तुमसे जेवर ले लूं। अब तो शादी को काफी दिन हो गए ना, पहनने की जरूरत नहीं। खामखा किसी दराज में रख दो कि मुझे दे दो। जी अम्मी अभी ला के देती। अम्मी ये रहा जेवर। सारा जेवर है? जी अम्मी बस चूड़ियाँ मेरे पास है, ये भी दे दूँ? नहीं नहीं पहने रहो, बल्कि एक दो अंगूठियाँ भी पहन लो। नहीं अम्मी अंगूठियाँ मेरे पास हैं, शादी से पहले की। इसके झुमके कहाँ हैं? झुमके इसी में थे? नहीं इसमें तो नहीं है, मैं अभी देखती हूँ। अपने दराज में देखो, किसी पर्स में देखो। अलमारी में देखो। अम्मी झुमके तो कहीं पे भी नहीं। नहीं अम्मी मैंने भाभी के कोई झुमके नहीं देखे। उनके कमरे की सफाई जरूर की है लेकिन उनकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया मैंने। अम्मी आपको तो पता है मैं उनके कमरे में सिर्फ काम से जाती हूँ, मैंने कोई ज़रूरत नहीं देखे। अम्मी आपने हमारी तबीयत ऐसी नहीं की कि हम किसी की कोई चीज उठाएं। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद तुम लोगों ने सफाई करते हुए इधर उधर कर दिया। नहीं अम्मी क्या हुआ? दुर्रे शहवार के सोने के झुमके नहीं मिल रहे। यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे अभी। उसने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहे उसके झुमके। अच्छा मैं पूछता हूँ। नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि तुम उसके मैके फोन करो और पता करो। नहीं अम्मी, इस तरह मुनासिब नहीं। कल हम जा ही रहे हैं तो पता कर लेंगे, इस तरह फोन करेंगे तो बुरा लगेगा। बुरा लगने वाली कौन सी बात है, हमारी तरफ का जेवर है, ये हमारा हक है पूछना। फिर भी अम्मी कल जा ही रहे हैं तो पता कर लेंगे। वैसे तुम्हारी बीवी है बड़ी लापरवाह, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी उसकी शादी को, उसने सोने के जेवर गुम करना शुरू कर दिए। अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की है, बड़े शहर से आई है, बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है, उसे इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ससुराल की तरफ से पहनाए जाने वाले जेवर और चीजें, उनका ख्याल करे। मेके की तरफ की चीजों की और बात है, हमारी तो बड़ी हक हलाल की कमाई है। अगर झुमके ना मिले तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ना मिले तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। कीमती चीजें संभाल के रखी जाती हैं, और ये तो फिर भी जेवर थे। अरे सारा सामान संभाल के रखा था, मुझे नहीं पता कि झुमके कहाँ चले गए। हो सकता है तुम्हारी अम्मी की तरफ हो। अगर वहां पे भी ना हुए तो फिर मुझे नहीं पता। झुमके कितने पैसों के होंगे? मुझे कीमत का नहीं पता, अम्मी को पता होगा, अम्मी का जेवर था। हाँ कि नाम लेना तो मैं अम्मी पास से कह के मैं झुमा। तुमसे कोई ये नहीं कह रहा कि अगर तुमसे जेवर गुम गए कि अम्मी अब्बा को कहो के नहीं लिखे थे। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। सालों लग जाते हैं जेवर बनाते बनाते, पता नहीं कितनी बचत की होगी अम्मी। अरे पहुँच गए तुम लोग, खैरियत से? अभी मेरे कुछ झुमके तो आपके पास नहीं रह गए। हाँ हाँ, तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे, तुम्हारे जाने के बाद माँ नूर ने देखे, संभाल के रखे उसको। वालेकुम सलाम। बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया, क्या हो गया? ये रो क्यों नहीं? मुदरसो झुमकों के बारे में कुछ नहीं। हम मम्मी को फोन करके बता देंगे झुमके मिल गए। हाँ हाँ मैं जी खाला, अस्सलाम वालेकुम, मंसूर बोल रहा हूँ। जी जी ठीक ठाक जी, हम लाहौर में हैं। जी खाला, वो अम्मी को एक पैगाम देना था। जी उनको बताइएगा कि शहवार के झुमके मिल गए हैं। हाँ जी यहीं घर पर थे, अम्मी ने संभाल के रखे थे। जी नहीं नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। जी बस मेरा पैगाम देना है। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर मंसूर बेटा, कैसा रहा आपका टूर? जी बहुत अच्छा। कितने दिन रहे आप लोग वहां? 3 दिन। बस सिर्फ 3 दिन? अभी तो छुट्टी थी ना आपकी बात, तो बेटा कुछ दिन और रह लेना। घूमने फिरने के यही दिन होते हैं, मुझे फिर बाद में कहाँ मौका मिलता है इस तरह सैर और तफरीह का। जी दरअसल वो अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ बोले? दरअसल वो अबू जी को सांस का थोड़ा सा मसला है, शायद मरी में ज्यादा ठंड की वजह से या चलने की वजह से उनको ज्यादा तकलीफ होगी। तो क्या घर वाले भी साथ थे? जी अम्मी अबू दोनों बहनें सब साथ थे। अच्छा है ना, ज्यादा लोग हो तो ज्यादा मजा आता है। अच्छा हुआ वो लोग भी साथ चले गए। अब कैसी तबीयत है? जी बेहतर। मरी फिर आई और हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आई, कंजूस। यहाँ पे मंसूर भाई ने कुछ नहीं लेने दिया। नहीं नहीं, शहवार ने बहुत सारी चीजें ली आप सबके लिए। हाँ लेकिन मैं लेकर आना भूल गई, अगली दफा आऊंगी तो साथ लेकर आऊंगी। अरे चीजों की क्या बात है, रहने तो चीजों को, शुक्र है खुद खैरियत से घूम फिर के वापस आ गए, यही बहुत है। बेटा शहवार तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली पड़ी है, खाना खाओ ना। अम्मी मुझे भूख नहीं है। आप सलाद तो लें, आपका खाना तो सलाद के बगैर हजम ही नहीं होता। अब हो जाता है।